Hello viewers, welcome back to my channel. दिस ऑन गोइंग लेक्चर सीरीज ऑफ डिस्टिलेशन लास्ट वीडियो में हमने पैक टावर डिजाइन के रिलेटेड डिस्कस किया था जिसमें हमने प्रेशर ड्रॉप के बारे में डिस्कस किया लिक्विड होल्डअप के बारे में डिस्कस किया वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं दैट वी डिस्कस्ड नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ टावर डायमी एज वेल एज दाइट ऑफ दी टावर दैट विच आर द डिफरेंट मैथड्स बाई मीन ऑफ दैट वी कैन कैलकुलेट दिस बोथ द पैरा सो स्टार्टिंग विद कॉलम डायमीटर स्पेशली पैक कॉलम डायमीटर ऑलवेज रिमेंबर दैट जब भी हम कॉलम डायमीटर कैलकुलेट करते हैं तो एक कॉमन इक्वेशन यूज होता है वो हम कंटिन्यूटी इक्वेशन भी बोलते हैं विच इज मास फ्लो रेट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू डेंसिटी इनटू एरिया जहाँ पे एरिया हम पाई बाय फोर डी स्क्वायर लेके डायमीटर फाइंड कर सकते हैं और जो वेलोसिटी रहती है वो गैस की वेलोसिटी हम कंसीडर करते हैं और डेंसिटी ऑफ कोर्स इट इज ऑफ द गैस डेंसिटी सो बाय मींस ऑफ दिस कॉमन इक्वेशन इन एनी कॉलम वी कैन फाइंड आउट द डायमीटर सो अगर पैक कॉलम डायामीटर कैलकुलेशन की बात करें सो एज यू मे सी ऑन द स्क्रीन दैट इट डिपेंड्स मेनली ऑन दिस पैरामीटर जो मैंने आपको पहले भी बोला था दैट फ्लो पैरामीटर विच आर हाईली इम्पैक्टेड टू कैलकुलेट प्रेशर ड्रॉप टू कैलकुलेट डायमीटर और एनी साइजिंग ऑफ द टावर सो विच आर दे जस्ट सी हीयर इट डिपेंड्स ऑन एज यू मे सी ऑन द स्क्रीन दैट इट इज़ फ्लो पैरामीटर विच इज़ एफ एल वी एंड इक्वेशन दैट वी नो दैट इट इज़ इक्वल टू एल बाय जी अंडर उट रोवी बाई रोएल सो दिस इज द इक्वेशन तो वही मैंने लिखा है कि लिक्विड गैस के मास फ्लोरेट पर और उनकी डेंसिटी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है फिर आता है कैपेसिटी फैक्टर दैट वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर्स एज वेल दैट मास ट्रांसफर एफिशियंसी दैट इज एच ई टी पी दैट डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी फैक्टर विच इज सी एस एंड देट रिप्रेजेंट्स स्पेशली अबाउट द फ्लूइड एंड द पैकिंग दैट कौन सा पैकिंग मटेरियल मैं ले रहा हूँ उसके ऊपर डिपेंड करता है बिकॉज उसमें पैकिंग फैक्टर आता है इंटरफेसियल एरिया आता है वॉइड फ्रैक्शन आता है third which is important and useful property which is mass gas velocity which is indicated by gds and we know that the unit of that kg per meter square second it is ultimately kg per second mass flow rate but it is per unit area so that it is very much important for the calculation of this diameter and final is flooding velocity flooding velocity is uh, basically important because we कम टू नो दैट वॉट इज द मैक्सिमम वैलोसिटी ऑन विच दिस फ्लडिंग विल बी देर सो उसके कुछ परसेंटेज कैलकुलेट करके जैसे कि सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट हम एक्चुअल वैलोसिटी लेके फाइनली वी कैन फाइंड आउट दी टावर डायमीटर सो दिस इज द एक्चुअल प्रोसीजर बाय मीन्स ऑफ दैट वी विल कैलकुलेट द टावर डायमीटर सो कोई भी टावर डायमीटर कैलकुलेशन में फर्स्ट बेसिक पैरामीटर जो रहता है जो कैलकुलेट हमें करना पड़ता है विच इज़ दी फ्लडिंग वेलोसिटी दैट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी दैट वी जस्ट डिस्कस कि फ्लडिंग वेलोसिटी अगर हमें पता चल जाए तो उसके हिसाब से एक्चुअल वेलोसिटी हमें पता चलेगा उसके हिसाब से हमें मास वेलोसिटी पता चलेगा एंड फाइनली बाय मींस ऑफ डेंसिटी एंड एरिया वी कैन फाइंड आउट द डायमीटर तो यहाँ पे पैक कॉलम में स्पेशली अगर हमें फ्लडिंग वेलोसिटी फाइंड करनी है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक इक्वेशन है एज यू मे सी ऑन द स्क्रीन ओवर हियर दैट बेसिस ऑफ द कैलकुलेशन दैट इज द फ्लडिंग वेलोसिटी कैलकुलेशन ओके सो यहाँ पे आप देख लो कि ये जो इक्वेशन है दैट इज एल एन वाई वाई इज नथिंग बट द कॉन्स्टेंट जिसमें बहुत सारे टेक्निकल टर्म है दैट वी विल सी विच इज इक्वल टू दिस नंबर्स माइनस 1.0814 ln x एट वन फोर एन एक्स जहाँ पे एक्स भी एक पैरामीटर है जो मैंने अभी बोला विच इज़ नथिंग बट द फ्लो पैरामीटर माइनस पॉइंट वन टू सेवन थ्री एलेन एक्स स्क्वायर सो ये एक इक्वेशन है सो इफ वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन सो वी विल कम टू नो दैट व्हाट इज एक्चुअल वाई वैल्यू फिर से मैं बोल रहा हूँ वाई एक कांस्टेंट है जो ज़्यादा पैरामीटर को कंबाइन करके बनाया गया है तो वो कांस्टेंट अगर आप यहाँ पर देख सकते हो दैट दिस वाई ओके विच रिप्रेजेंट दैट पैकिंग फैक्टर दैट डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट साइज ऑफ द मटीरियल दैन इट इज मास वेलोसिटी ओके दिस इज द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड कौन सा भी लिक्विड सोलवेंट हम यूज कर रहे हैं एंड दिस आर द डेंसिटी ऑफ लिक्विड एज वेल एज गैस बाई मीन्स ऑफ दिस इक्वेशन दिस इज एक्स तो एक्स का इक्वेशन भी हम यहाँ पे देख सकते हैं दैट इट इज मास फ्लोरेट ऑफ लिक्विड टू द गैस इन टू डेंसिटी रेशियो रेस टू वन बाई टू विच इज़ नथिंग बट द फ्लो पैरामीटर जो हम आगे के भी वीडियो में डिस्कस करते हुए आए हैं तो दिज आर दी एक्चुअली नॉन पैरामीटर जो हमने पहले से कैलकुलेट कर दिए होते हैं जिसके हिसाब से हम एक्स कैलकुलेट कर देंगे नाउ इफ आई पुट डाउन दिस एक्स वैल्यू इन दिस मेन इक्वेसन ओ हीयर एक्स वैल्यू ओ हियर एक्स वैल्यू ओ हियर सो फाइनली आई गेट दिस बाई वैल्यू ओके नाउ आई एम हैविंग वाई वैल्यू सो जस्ट सी इन दिस इक्वेशन दैट अगर मेरे पास वाई वैल्यू है एंड दिस आर द कॉमन फ्लूइड पैरामीटर एज यू मे सी दैट एंड दिस इज द पैकिंग पैरामीटर एज यू मे सी दैट तो ये पैरामीटर हमारे पास रहते हैं इवन एफ वी देट वी कैन कैलकुलेट एज वेल सो एफ पी का अगर मुझे कैलकुलेशन करना है दैट इज़ पैकिंग फैक्टर ऑल दो वो अवेलेबल भी रहता है साइज़ के हिसाब से अगर हमें कैलकुलेट करना है तो उसके एक इक्वेशन है दैट इज जी इंटू डी टू माइनस एन जहाँ पे जी एंड एन बोथ आर कॉन्स्टेंट फिर से ये आप टेबल में देख सकते हो कि अगर मैं पॉल रिंग पैकिंग की बात करूँ तो

सिक्स एम एम की साइज़ ले रहा हूँ सो so, वो साइज़ मैं यहाँ पे रख दूंगा तो मेरे पास पैकिंग फैक्टर आ जाएगा और फिर से मैं बोल रहा हूँ पैकिंग फैक्टर बेस्ड ऑन द डिफरेंट साइज आर डायरेक्टली अवेलेबल सो डायरेक्टली वी माई टेक दैट सो अगेन लेट्स कम बैक टू दिस इक्वेशन ये इक्वेशन में अगर सिर्फ अननोन प्रॉपर्टी है विच इज़ माई जी जी दैट इज़ मास वेलोसिटी एंड वाई इट इज़ अनन बिकॉज मास वैलोसिटी इज़ मास फ्लो रेट डिवाइडेड बाई एरिया जो एरिया हमें अभी तक पता नहीं है कि कितना एरिया है सो so, ये इक्वेशन से जो मैं जी डेज फाइन करूंगा ओके सो दैट विल बी माई मास वेलोसिटी बट एज आई जस्ट टोल यू दैट दिस प्रेडिक्शन ऑफ दिस इक्वेशन इट इज़ फॉर द फ्लडिंग वेलोसिटी तो जो मुझे यहाँ पे मास वेलोसिटी मिलेगी दैट इज बेस्ड ऑन द फ्लडिंग वेलोसिटी दैट विल बी द मैक्सिमम और जैसे मैंने अभी आपको बोला कि अगर मुझे एक्चुअल मास वेलोसिटी कंसिडर करनी है सो फॉर दैट आई कंसिडर पॉइंट सिक्सटी टू पॉइंट सेवेंटी ऑफ द एक्चुअल वेलोसिटी जो हमारी रेंज रहती है कि जो फ्लडिंग वेलोसिटी रहती है उसका सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट वैल्यू हमें कंसिडर करनी चाहिए फॉर द कैलकुलेशन। सो नाउ वी हैव डन विद दिस इक्वेशन एंड वी हैव फाउंड आउट दिस जी वैल्यू ओके दैट इज द फ्लडिंग मास वेलोसिटी दैट वी कैन कंसिडर ओके तो फ्लडिंग मास वेलोसिटी जैसे ही मेरे आ गई नाउ एज यू मे सी दैट यहाँ पे मैंने वही लिखा है कि अब एक्चुअल हम वेलोसिटी जो कंसिडर करने वाले हैं मास वेलोसिटी विच इज सिक्सटी परसेंट ऑफ द फ्लडिंग वेलोसिटी तो अब ये जो है दैट इज माय मास फ्लोरेट ऑफ गैस विच इज इक्वल टू एरिया इनटू मास वेलोसिटी अगर हम यूनिट एक्यूरेसी भी देखें तो के पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड और एरिया रहता है मीटर स्क्वायर सो दिस विल अगेन बिकम दैट के पर सेकेंड इट इज़ नथिंग बट दास फ्लोरेट ऑफ द गैस ये एरिया है और ये मास वेलोसिटी है ओके okay? तो मास वेलोसिटी अभी हमने आगे के इक्वेशन से फाइंड कर ली उसका मैंने 60 परसेंट ले लिया ओके सो दिस इज माय मास वेलोसिटी एंड दिस इज ऑब्वियस दी कॉलम एरिया विच इज पाई बाई फोर स्क्वायर, जो डी है वो मेरा Diameter of the column hai, or this is mass flow rate that is known. Only unknown property was mass velocity as well as area. Okay, so by rearranging this equation, okay, if I'll keep this dt as subject, so directly I can find out the area. So this is the method by means of that I can directly find out the diameter of the packed tower. Now we have one more method uh, that is based on the capacity. फैक्टर जो हमने आगे के वीडियो में डिस्कस किया था तो यहाँ पे देख लो कैपेसिटी फैक्टर सी एस दैट इज जी डैश अगेन यहाँ पे मास वेलोसिटी आ रही तो हमेशा हमें याद रखना चाहिए जब भी मास वेलोसिटी है तो उसमें एरिया हमने कंसिडर किया दैट वेलोसिटी पर यूनिट एरिया फ्लोरेट पर यूनिट एरिया दैट इज माई मास वेलोसिटी तो दिस इज द इक्वेशन दैट वी डिस्कस और और भी एक इक्वेशन है अगर मैं यहाँ पे सुपरफिशियल गैस वेलोसिटी कंसिडर कर सुपरफिशियल दैट हमें पता है कि वो केस में हमारे पास कोई लिक्विड अवेलेबल नहीं है सिर्फ गैस की ही वेलोसिटी हम दैट इज द सुपरफिशियल गैस वेलोसिटी एट फॉर पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया तो उसका भी हमारे पास इक्वेशन है दैट कैपेसिटी फैक्टर विच इज इक्वल टू दिस इक्वेशन एज यू मे सी दैट तो ये इक्वेशन से अगर मैं वीओजी को सब्जेक्ट बनाता हूँ सो आई वुड बी हैविंग द इक्वेशन ओके तो अगर दिस सी एस वैल्यू दैट आई एम हैविंग एज यू मे सी ओ हियर कि ये जी की वैल्यू से अगर मेरे पास सी एस वैल्यू है ओके okay, सो so वो सुपरफिशियल वैलोसिटी के हिसाब से फिर से मेरे पास वही इक्वेशन आ जाएगा दैट मास फ्लोरेट इक्वल टू डेंसिटी इन टू वैलोसिटी इंटू एरिया सो अल्टीमेटली हमें इक्वेशन पे तो यही आना है बट डिफरेंट मेथड कोई केस में हम मास वेलोसिटी का डायरेक्ट इक्वेशन कंसीडर करते हैं कोई केस में हम कैपेसिटी फैक्टर का कैलकुलेशन करते हैं अगर कैपेसिटी फैक्टर हमें फाइंड करना है तो जैसे ही हमने आगे डिस्कस किया था कि हमारे पास जो ग्राफ रहता है वो एफ एल विच इस फ्लो पैरामीटर एंड डेल्टा बी विच इज प्रेशर ड्रॉप का ग्राफ रहता है जो प्रेशर ड्रॉप की रेंज हमारे पास रहती है कि फो पर्टिकुलर डायमीटर और फॉर पर्टिकुलर पैकिंग मटेरियल इतनी प्रेशर ड्रॉप की रेंज एक्सेप्टेबल है तो उसके हिसाब से हमारे पास एक फैक्टर आएगा ओके okay, जिसमें सी एस की वैल्यू रहती है सो लेट्स गो थ्रू दैट ग्राफ यहाँ पे आप ग्राफ देख सकते हो दैट दिस इज फ्लो पैरामीटर ओके एंड दिज आर नथिंग बट द प्रेशर ड्रॉप दिज फर्स्ट वैल्यू एज यू मे सी द लेट्स वन पॉइंट फाइव विच इज़ द प्रेशर ड्रॉप विच इज इन इंच ऑफ वाटर पर फिट ओके इंच पर वाटर बट पर फिट दैट इज़ द यूनिट ऑफ दैट प्रेशर ड्रॉप एंड द सेकंड ब्रैकेट वैल्यू दैट यू मे सी दैट दैट इज द आई एम पी टी दैट इज़ द पैकिंग उसकी साइज़ लिखी हुई है तो ये साइज़ में इतना उसका प्रेशर ड्रॉप है लाइक वाइज डिफरेंट दिस कर्व्स आर हियर एज यू मे सी दैट तो अगर मेरी कोई वैल्यू आ रही है उसके हिसाब से मैं ये वाई वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ ओके okay? अब ये वाई वैल्यू में जैसे ही आप देख सकते हो इन दिस वाई वैल्यू वी हैव पैकिंग फैक्टर जो भी हमने डिस्कस किया दिस कैपेसिटी रेशियो दैट वी हैव दैट वी 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 कैन नॉट कैलकुलेट डायरेक्टली एंड दिस इज़ नथिंग बट दी विस्कोसिटी ओके विस्कोसिटी भी हमारे पास रहती है सो बाय मीनस ऑफ दिस वाई वैल्यू जो हमने ग्राफ से अभी कैलकुलेट की है ग्राफ से कुछ वैल्यू हमें मिली है तो वो वैल्यू के हिसाब से मैं सी एस कैलकुलेट कर सकता हूँ वही सी एस की वैल्यू मैं ये इक्वेशन में रख दूंगा तो मेरे पास आ जाएगी सुपरफिशियल वेलोसिटी एंड वी हैव टू फॉलो द सेम मेथड टू कैलकुलेट द टावर डायमीटर